एक समसानु नाम का देश था। वहाँ के लोग शिकार करने में अच्छे थे। उनके हाथों से कोई जानवर बचकर नहीं निकल पाता था। एक बार शिकार के लिए निकले समसानु के लोगों के हाथ से यूनिकॉर्न बच निकला। यूनिकॉर्न जानवर दूसरे के मुकाबले काफी फुर्तीला था, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी वो समसानु के लोगों के हाथ नहीं लगा। तभी से वहाँ के लोगों को यूनिकॉर्न की तलाश थी। समसानु देश का सरदार किसी भी कीमत पर यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहता था। हर दम वो उसे पकड़ने का जाल बुनता, लेकिन नाकामयाब हो जाता। ऐसा होते होते महीनों बीत गए। तभी एक दिन एक सफेद रंग का यूनिकॉर्न समसानु देश के लोगों को आसमान में उड़ता दिखा। वो यूनिकॉर्न जैसे ही जमीन पर आया, लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह समाचार सरदार तक पहुंचा। वो भी तेजी से अपने महल से यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए निकल गया। यूनिकॉर्न पास की ही एक नदी से पानी पी रहा था। जब लोगों को पता चला तो वो भी नदी के पास पहुंच गए। यूनिकॉर्न ने भी मन भर पानी पिया और फिर घास खाई। हरी हरी घास खाकर जब उसका पेट भर गया तो वो वहीं पर लेट गया। सरदार ने सोचा कि यही समय है यूनिकॉर्न को पकड़ने का। उसने लोगों को यूनिकॉर्न को पकड़ने का आदेश दिया। यूनिकॉर्न को पकड़ने से सरदार बहुत खुश था। उसने शाम के समय जश्न रखा। सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जश्न के बीच में पिंजरे में कैद यूनिकॉर्न को भी लाया गया। तभी पता चला कि पास के ही किसी इलाके में आग लग गई है। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न भी आग देखकर डर गया। वो फिर जोर जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी मदद के लिए एक लड़का सैम आया। उसने यूनिकॉर्न से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दूंगा। बहुत ताकत लगाने के बाद पांचवी बार में सैम पिंजरा खोलने में कामयाब हुआ। सैम की बात सुनकर यूनिकॉर्न आसमान से जमीन की तरफ उतरा। उतरते ही उसने अपने मुंह से ठंडी हवा फेंकी और आग बुझा दी। पूरे इलाके की आग बुझ गई और लोग खुश हो गए। आग बुझाते ही दोबारा यूनिकॉर्न सैम को लेकर उड़ा और उड़ते हुए दूसरे जंगल में चला गया। कुछ समय दोनों ने साथ बिताया और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। तभी यूनिकॉर्न कुछ दूर चला गया। सैम को लगा कि अब यूनिकॉर्न वापस आसमान में उड़ने वाला है। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? सैम को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। यूनिकॉर्न कुछ देर रुका और आसमान में उड़ गया। सैम भी दुखी मन से अपने घर लौट आया। लोगों ने उससे यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न की सवारी के बारे में पूछा। सैम ने यूनिकॉर्न की खूब तारीफ की, लेकिन मन ही मन सैम दुखी था। सैम हर रोज उसी जंगल में यूनिकॉर्न से मिलने की उम्मीद में जाता रहा, लेकिन यूनिकॉर्न वहां वापस कभी नहीं आया।